हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। यूपी ट्रिपल एससी के यूपी लेखपाल की जो भर्ती है उसका एप्लीकेशन स्टेटस आप ऑफिशियली जाकर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस को आप जरूर चेक कर लें। आपको अपने एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन स्टेटस आपका क्या है, अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है, यूरल नंबर डालकर अगर आप चेक करेंगे तो इस तरह से दिखाता है। अगर आपका आवेदन कहीं रद्द हो गया, कोई और दिक्कत है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये एप्लीकेशन स्टेटस आप जरूर चेक कर लें। कैसे चेक करना है वो आपको हम बता दे रहे हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ से। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली और भी जानकारी, सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी ट्रिपल एससी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो योर स्टेटस। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का। इस पर आप जाएंगे, जब इस पर जाकर क्लिक करेंगे आप, तो आपको आपके एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो दिख जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, वो डिटेल्स आपकी होंगी, एप्लीकेशन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, लेखपाल वाला, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर आपको अपना सेलेक्ट करना है, वेरिफिकेशन कोड जो दिया हुआ है इसको इसमें डालना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट क्लिक करते ही आपको फॉर्म आपका दिख जाएगा कि एक्सेप्ट हुआ है या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसके साथ। ये सारी चीज़ें आप जाकर यहाँ से जरूर चेक कर लें। जैसे हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, बाकी की डिटेल्स को भी यहाँ पर फिल किया। फिल करने के बाद उसके बाद जब हम यहाँ पर जाके जो आपका कैप्चा कोड दिया है इसको इसमें भरेंगे, भरने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपको आपके एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो सामने दिख जाएगा। तो देखिए, इसको सबमिट करते ही आपको यहाँ के दिखने लग गया आपके कैंडिडेट का करंट स्टेटस क्या है। करंट इमेज दिखने लग जाएगी, आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आपको यहाँ पर आपका फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर करंट स्टेटस दिख रहा है एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पर सिग्नेचर और नाम वगैरह आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको नाम, आपका सिग्नेचर दिख जा रहा है, फोटो दिख जा रही है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। ये 8/7/2022 का है, आज की डेट में हमने निकाला है इसको आज ही, तो आप देख लीजिए। तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक करें। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के बाद आप श्योर रहें तो एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग जरूर चेक कर लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और लोगों तक पहुंचे, ताकि और लोग को भी जानकारी पहुंच सके और लोग भी इसको चेक कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, जो कि सही और सटीक जानकारी हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।